तो दोस्तों आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का जमे 11वां मुकाबला बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला खेला गया था। तो आज का ये मुकाबला खत्म होते हमें आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का नया पॉइंट टेबल हम आपको बताने वाले, कौन सी टीम कौन से पोजीशन पर है और कौन सी टीम के पास कितना अंक है, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी वर्ल्ड कप के बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिस को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप वर्ल्ड कप से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो बढ़ते आगे, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का में 11वां मुकाबला न्यूजीलैंड बना बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला खेला गया था। ये मुकाबला में चेन्नई के चेकऑफ स्टेडियम पर खेला गया था। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 50 ओवर में 245 रन 9 विकेट के नुकसान पे बनाए। तो ऐसे में इस मुकाबले के खत्म होते हमें आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के नए पॉइंट टेबल के हिसाब से पॉइंट टेबल पे जो आखिरी पोजीशन पर है वो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 2 मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 0 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में काफी खराब देखने को मिला है। वे अफगानिस्तान को सुपर फोर में जाने के लिए अपने 7 मुकाबले में से कम 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वे अफगानिस्तान का अगला मुकाबला 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 9वें पोजीशन पर है वो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 2 मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 0 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में काफी खराब देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए अपने 7 मुकाबले में से कम 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही ऑस्ट्रेलिया का अगला मुकाबला 16 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 8वें पोजीशन पर है वह नेदरलैंड। नेदरलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 2 मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 0 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में काफी खराब देखने को मिला है। वही नेदरलैंड को सेमीफाइनल जाने के लिए अपने 7 मुकाबले में से कम 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही नेदरलैंड का अगला मुकाबला 17 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 7वें पोजीशन पर है वह श्रीलंका। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 2 मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 0 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में काफी खराब देखने को मिल रहा है। वही श्रीलंका को सेमीफाइनल जाने के लिए अपने 7 मुकाबले में से कम 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही श्रीलंका का अगला मुकाबला 16 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 6वें पोजीशन पर है आज का मुकाबला हारने वाली टीम बांग्लादेश। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 3 मुकाबले खेले गए, जिनमें से उन्हें 1 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में काफी खराब देखने को मिला है। बांग्लादेश को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने 6 मुकाबले में से कम 5 मुकाबला जीतना जरूरी। बांग्लादेश का अगला मुकाबला 19 अक्टूबर को इंडिया के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 5वें पोजीशन पर है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 2 मुकाबले खेले गए, जिनमें से उन्हें 1 मुकाबले में जीत मिली और 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रन प्लस में काफी शानदार देखने को मिल रहा है। वही इंग्लैंड को सेमीफाइनल जाने के लिए अपने 7 मुकाबले में से कम 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही इंग्लैंड का अगला मुकाबला 15 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 4थे पोजीशन पर है वह पाकिस्तान। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 2 मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में जीत मिली
पांच स्टेप उनके पास चार पॉइंट है। उनका नेट अटेम्प्ट प्लस में काफी शानदार देखने को मिला है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल जाने के लिए अपने सात मुकाबले में से कम चार मुकाबला जीतना जरूरी। पाकिस्तान का अगला मुकाबला 14 अक्टूबर को इंडिया के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है वह टीम इंडिया। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल दो मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में जीत मिली। पॉइंट से उनके पास चार पॉइंट है। उनका नेट अटेम्प्ट प्लस में काफी शानदार देखने को मिल रहा है। वही टीम इंडिया को सेमीफाइनल जाने के लिए अपने सात मुकाबले में से कम चार मुकाबला जीतना जरूरी। वही टीम इंडिया का अगला मुकाबला 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है वह साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल दो मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में जीत मिली। पॉइंट से उनके पास चार पॉइंट है। उनका नेट अटेम्प्ट प्लस में काफी शानदार देखने को मिला है। साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल जाने के लिए अपने सात मुकाबले में से कम चार मुकाबला जीतना जरूरी। वही पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है आज का मुकाबला जीतने वाली टीम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल तीन मुकाबले खेले गए, तीनों मुकाबले में जीत मिली। पॉइंट से उनके पास छह पॉइंट है। उनका नेट अटेम्प्ट प्लस में काफी शानदार देखने को मिल रहा है। तो न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल जाने के लिए अपने बचे हुए छह मुकाबले में से कम तीन मुकाबला जीतना जरूरी। वही न्यूजीलैंड का अगला मुकाबला 18 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। ये थी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का आज का नया पॉइंट टेबल। वही आपको क्या लगता है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में कल का मुकाबले में कौन सी टीम जीतने वाली है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वही आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।